परिषद में बैठे हुए नेता और कार्यकर्ता बंधु उन लोगों सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी माताएं बहनों को स्पेशल प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि 8 बजते जब है तब घर का काम चालू होता है और घर के काम और छोटी आप लोग सब यहाँ आई हो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाल के उसके साथ साथ मेरे सब भाई और बुजुर्ग उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस ऐतिहासिक मीरा की नगरी में आप लोग सबके दर्शन करने का मुझे एक साथ मिल रहा है। आते आते एक भव्य पार्श्वनाथ जी के मंदिर का दर्शन करने का मुझे मौका मिला और मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों के बीच में आऊंगी, देर तो नहीं हो जाएगी, परंतु आप भी सही समय पर पहुंचे, हम भी सही समय पर पहुंचे हैं और मैं देख रही हूँ कि जलसा जलसे आप लोगों ने आप नेता में कर लिया है। मैं जितना भी आपको आभार दूंगी मैं समझती हूँ वो कम है। आपने अपने प्यार का जोरदार कर्ज हमारे कन्ने के ऊपर डाल दिया और बाकी मैं तो इस प्यार के कायल हूँ। आप प्यार देते रहोगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे, आप बस इतना ही आशीर्वाद और प्यार देते ही रहो। मैं समझती हूँ कि जब तक हमारा परिवार इस तरीके से प्यार से बंधेगा, 36 के 36 को हम एक साथ चलेंगे, सब हमारे मजहब एक साथ चलेंगे, तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान का तो विकास होना ही है। ये तो तब नहीं होता है जब हम अलग हो जाते हैं और आज आपने जो दिखाया है जिस तरीके से आप लोग यहाँ बैठे हैं मैं ये तो विश्वास करके यहाँ से जाती हूँ कि ये सब लोग एक साथ मिलके राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या एक दिल के अंदर तीस लेके प्रगति के पथ पे चलने की तैयारी में है, इसलिए आज प्रणाम आपको सबको प्रणाम। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखने के लिए आई हूँ। मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूंगी कि मेरठ के अंदर सबसे मुसीबत वाला कार्यक्रम अगर कुछ है आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, इधर वाला नहीं आ रही है क्या? आप आ रही है क्या? ऐसा मत करो, आप तो आ रही है, कान भर रहा है क्या? तेरा मेरठ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को सुनने में मिली, जैसे आज मैं मेरठ में आ रही थी तो वो था पानी का। माताएं बहनों ने जगह जगह मेरे को रास्ते पे रोका, शहर के अंदर भी शहर के बाहर भी, और सब लोगों ने मुझे यही कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, पहले पानी का इंतजाम करवा दीजिए और उसके साथ साथ हमारे बिजली का इंतजाम अगर हो जाता है तो मैं समझते हैं हमारा मूलभूत सुविधाओं की जो बहुत कमी हमारे क्षेत्र के अंदर है वो अगर पूरा हो जाएगा तो पूरा मेरठ खुश होएगा। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि 2003 के अंदर परिवर्तन यात्रा जब मैंने निकाली थी तो गांधी चौक नागौर के अंदर आ रही है, अच्छा इनकी बात कर रहे हो, उधर जाके इकट्ठा हो जाओ, क्या हो गया इतने आराम से आप लोग बैठो, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं सब पूरी बातें बता दूंगी आप लोग। मुझे याद है कि जब मैं नागौर में पहली दफा भाषण दे रही थी तो उस समय मैंने सबको वायदा किया था कि इंदिरा गांधी का मीठा पानी नागौर इलाके में छोड़ूंगी और नागौर ही नागौर नहीं परंतु पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट को पानी पिलाने का काम करूंगी। ये मैंने उनको वायदा 2003 के अंदर दिया। अब सब मेरी तरफ देख के हंसने लगे कि ये नई नई आई है, राजस्थान को अच्छी तरह से समझती तो है नहीं और इसने इतना जोरदार वायदा कर दिया है, अब मालूम नहीं इसको पूरा कर सकेगी कि नहीं। मैं भी जोरों से लगी क्योंकि जब मुझे मालूम पड़ा कि ये तो बहुत बड़ा काम है
2300 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लेके हम लोगों ने पहला जो पेज था 761 करोड़ रुपए का नागौर में पानी लाने का पाइपलाइन डालने का काम चालू कर दिया। और मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि मैंने अपना वादा पूरा किया और नागौर को 2008 के जाने से पहले मैंने उनको मीठा पानी पिला के छोड़ के अपना वादा पूरा करने की बात। अब उसके साथ फर्स्ट फेज के अंदर आपके मुंडवा में भी पानी जाना था, खिंते में भी पानी जाना था, 502 गांव थे उसके चारों ओर जिसमें पानी जाना था। और उसके बाद पूरे नागौर इलाके के अंदर, चाहे वो आपका पर्वतसर हो, लाडनू हो, ये सब पूरे इलाके के अंदर पानी पहुंचना जरूरी था। परंतु मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है, 4.5 साल तक तो ये सरकार सो गई और अब उनको लगता है कि चुनाव का टाइम आ गया है तो जल्दी जल्दी में खुदाई चालू है, पाइपलाइन डल रहे हैं। परंतु मुझे मालूम है कि ये 4 महीने के अंदर काम होना नहीं है, ये काम करना था तो 2008 के अंत में शुरू करना चाहिए था। और मैं समझती हूँ कि पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट को आज तक पानी मिल जाता अगर थोड़ी इच्छा शक्ति करके ये सरकार आप लोगों का काम करती। परंतु पानी और मीठा पानी, मैं सबको वादा कर रही हूँ, माताएं बहने आपको बता रही हूँ, सरकार अपनी आती है तो आपको आपके घर में पर्याप्त मीठा पानी देने का काम हम करेंगे। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सरकार बनाएंगे हम लोग सब मिलके और ये पानी का इंतजाम भी हम आपको देंगे। इसके साथ साथ सब लोगों ने, जब मैं रास्ते चल रही तो मैंने देखा सब दूर फ्लोराइड की बहुत जोरदार समस्या। माताएं बहनों ने जगह जगह हमको कहा कुएं इसमें फ्लोराइड, हैंडपंप उसमें फ्लोराइड, पानी जो जमीन में से निकल रहा है वो इतना गहरा हो गया है उसमें फ्लोराइड। और कहीं जगह, एक जगह पे जब मैं भीलवाड़ा से निकल रही थी तो 4 महिलाओं ने कुएं पे मेरे को रोक के ये कहा कि जरा ये पानी निकाल के देखो तो सही कि कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं सोचा कि मैं इनके सामने क्या पानी निकालूंगी, सब हंसेंगी। फिर भी आप इतनी सारी खड़ी थी तो उतरना पड़ा। उतर के हम गए कुएं पे डर डर के, बाल्टी डालना तो बड़ा आसान था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बाल्टी निकालना बड़ा मुश्किल काम था। और वो सब वहां खड़ी होकर मेरे को देख रही थी कि हाँ निकाल सकती है कि नहीं, तो इज्जत का सवाल हो गया और पानी निकालना पड़ा। पानी निकाला तो बोला एक नहीं 3 बाल्टी से घड़ा भरेगा, 3 से बड़ा घड़ा भरेगा आप तो सोच लो। मैंने कहा भैया माफ करो मुझे, मैंने एक बड़ी मुश्किल से निकाला है, आप लोगों को तो दाद दूं मैं कि आप लोग सुबह शाम जाके ये पानी का काम करते हो और मैं तो वाकई में मैं तो कर भी नहीं सकूं अगर मैं स्थिति में हूं। उससे कहा ये यहां खत्म नहीं होता, देखो इतना बड़ा घड़ा रखा था, उस घड़े के अंदर 3 बाल्टी पानी डाल दिया और फिर एक ने दूसरे को मदद करके अपने सिर पे रखा और उन्होंने कहा कि इसको लेके हमें जाना पड़ता है अपने घर। सोचो इसके ऊपर कितना वजन लेके हम लोग चलते हैं, हमारे हाथों में छाले पड़ जाते हैं, हमारे माथे के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, हम पानी लेके चलते हैं, लेके देखो जरा। मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो समझ में आ गई मेरे को कि कितनी मुश्किल काम है, मैं पानी का इंतजाम करूंगी मैं अपने सिर पे नहीं ले जा पाऊंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कितना भारी है। तो दाद देती हूँ मैं आपको और वादा करती हूँ मैं आपको कि पूरे क्षेत्र का पानी का इंतजाम हम लोगों को करना है, आप लोगों के क्षेत्रों के अंदर मीठा पानी, पर्याप्त पानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके छोड़ेगी, ये आपको विश्वास करती है। इसके साथ साथ बिजली का, महिलाओं ने मेरे को ये भी कहा कि बिजली का भी बहुत जोरदार मुसीबत है, आपने हमारे लिए एक अलग से लाइन बनाई थी और मैंने बनाई थी माता बहनों के लिए। जाते जाते 2006 के अंत में मैंने ये तय किया था कि एक घरेलू लाइन आपको डायरेक्ट घर के अंदर मिले, 3 फेज का किसानों के लिए, सिंगल फेज का महिलाओं के लिए, और पहली दफा इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली दफा हुआ। ये आपके घर में जाना था, आपके घर में ठंडक लाता, तो थके मांदे लोग जो अंदर आते घर में उनको ठंडक होती, आप लोग खाना बनाते तो उस समय में ठंडक होती, आपका फ्रिज चलता, आपका कूलर चलता, और जब बच्चों की परीक्षा होती तो बच्चों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती, अच्छी बिजली मिलती और आप लोग उनको अपनी परीक्षा के लिए वहां पढ़ा सकते थे। ये सोच के मैंने आपको बिजली दी और मैं आश्चर्यचकित हूं ये देख के, जब मैंने पूछा उसके बारे में तो उन्होंने बोला कि 2008 में जाते जाते हमको बिजली 18-20 घंटे मिली जरूर,
परंतु अब हमको 8 घंटे मिलती है, कभी 9 घंटे मिलती है, कभी 7 घंटे मिलती है, और इतने जोरदार ट्रिपिंग होती है कि सही तरीके से बिजली हमको दिन भर में नहीं मिलती। मैं इसका भी आपको कह दूं कि 2008 के अंदर अगर 4 महीने और सरकार अपनी रह जाती तो आपको घर में 24 घंटे बिजली मिलती। और इसका भी आप लोगों को मैं वायदा करके जा रही हूं कि महिलाओं को घर के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हम लोग करके जाएंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ तो मैंने बहुत सारे बिजली के काम किए थे। आपको मालूम है कि आज अगर आपका ट्रांसफॉर्मर कहीं बिगड़ भी जाता है तो उस बिगड़े हुए ट्रांसफर को ठीक करने के लिए 72 घंटे नहीं, जैसे हम लोग करा करते ये आते हैं तो 1 महीने में, कभी 2 महीने में, और उसके लिए आपको रिश्वत देना पड़ता है, नहीं तो आते ही नहीं। गांव वालों ने मैंने उन गांव वालों से पूछा कि भैया बताओ तो नाम कौन है, तो बोलते हैं 7-8 लोग हैं। मैडम हम कैसे बताएं आपको, एक आ जाता है फिर दूसरा आ जाता है फिर तीसरा आ जाता है, और ये VCR का जो काम है उस काम की वजह से हम लोगों को इतना परेशान करके रख दिया है कि हम लोग सही तरीके से अपना काम ही नहीं कर सकते। मैं सबको ये कह दिया कि ये VCR जो है मैं समझती हूँ ज्यादातर फर्जी है, और इन VCR की चेकिंग होगी, सरकार अपनी आएगी तो इसकी चेकिंग होगी, और अगर किसी ने गलत वसूली की है तो वो पैसा भी वापस किया जाएगा, ये भी इन लोगों को मालूम पड़ेगा। किसी के गले में नहीं, किसी गले से निकाल के बाहर वापस दूंगी, ये सब लोगों को याद में दिलाना चाहूंगा। ये तो साथ इसके मैंने 4000 किलोवाट मेगावाट की बिजली का इंतजाम किया था, 4 या 5 थर्मल पावर स्टेशन लगे, और मैं दुख के साथ ही कहना चाहती हूँ कि 6 महीने के अंदर उनको ऑन स्ट्रीम आने की जरूरत थी, परंतु आज 4.5 साल हो गए और उसमें से शायद 1 या 2 बड़ी मुश्किल से आए हैं, दूसरे तो अभी भी चल रहे हैं अभी तक चले नहीं है। ये तो आज अपनी बिजली की स्थिति है, इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई की स्थिति, मैं पूछ रही थी पूरे नागौर जिले के अंदर करीबन हम लोगों ने 2500-3000 स्कूल खोले थे, उसके साथ साथ 5000 टीचर्स की नौकरियां मिली थी, और मैं देख रही हूँ आप ढाणियों के अंदर स्कूल खोले थे और इसलिए चला के खोले थे कि ढाणी गांव से दूर है, ढाणी कस्बों से दूर है, और वो लोग इतने दूर दूर तक नहीं आ सकेंगे, तो भले ही 100 आदमी क्यों ना हो एक छोटा सा स्कूल उनके लिए खोल दिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई उनके ढाणियों में हो जाए, ये काम करके हम लोगों ने छोड़ा। परंतु इनको समाजीकरण के नाम से बंद कर दिया गया। वो कहते हैं ढाणी के लोग हैं, चलो आ जाओ यहाँ के स्कूल में भर्ती हो जाओ, उनको किसी को परवाह नहीं है कि 15-15 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर से ढाणियों से उनको लोगों को आना पड़ रहा है, उनको चिंता नहीं है कि उन बच्चों का आगे चल के क्या होगा। मैं सबको ये भी आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने जो सपना देखा है राजस्थान के लिए, उस सपने के अंदर हमारे बच्चों को बिल्कुल होनहार बनना है, पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़ा होना है। अब मैं देख रही हूँ कि सरकार ने 8वीं तक सबको पास कराने का एक बोल दिया, सब लोग पास हो जाएंगे, अब हमको 8वीं तक के स्कूल नहीं खोलने की जरूरत, 8वीं तक के टीचर्स की जरूरत नहीं है, 9वीं में डायरेक्ट आप चले जाना और वहीं से आपका काम चालू हो जाएगा। परंतु सबको ये मालूम होने की जरूरत है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश के खिलाफ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे प्रदेश के खिलाफ। लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिशन में बैठ के उसमें से अच्छी तरह से निकल के आए, और इसीलिए हमने ये सब रोड़े अटकाने का काम किया है। परंतु मुझे खुशी है कि संसद के अंदर संसद की कमेटी ने यह तय किया है कि नहीं इसके ऊपर फिर से देखा जाएगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है क्या पढ़ाई लिखाई होगी। आदिवासी भाइयों ने जब मैं गई थी उदयपुर, उन्होंने मेरे को ये कहा कि ये तो मैडम हमारे साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो नहीं चाहते कि हमारे गरीब बच्चे पढ़ लिख कर होनहार बनकर आगे बढ़े, और हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान नहीं बढ़ सकता जब तक हमारे सब बच्चे पढ़ के विकसित नहीं हो, तो वही हमारे राजस्थान को आगे चल के विकास करें। मैंने अपने टाइम के अंदर आपको याद होगा 10 लाख बच्चों को नौकरी दी, वो बच्चे गैर सरकारी और सरकारी नौकरियों के अंदर गए और उन्होंने राजस्थान को होनहार बड़ा बनाने की कोशिश की। ये 5-4.5 साल के अंदर मैं पूछ के थक गई कि कितने लोगों को नौकरियां दी, टीचर के पद खाली पड़े हैं करीबन 1,25,000, कर्मचारियों के बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, डॉक्टर के पद खाली पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में चले जाओ तो आके मेहता के हॉस्पिटल के अंदर पैसा दे के एक नया ट्रॉमा हॉस्पिटल भी खड़ा कर दिया, पुराने हॉस्पिटल को बंद कर दिया। मैंने
मुझे समझ में नहीं आता उसमें नए डॉक्टर और ज्यादा डॉक्टर लाने के बजाय हॉस्पिटल बंद करने का ये काम। अगर डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, तो आगे राजस्थान कैसे बढ़ेगा? और हम लोगों ने इसीलिए कहा कि जरूरी है कि हमारे बच्चों को खड़ा करके उनको नौकरी का इंतजाम करो। अब नौकरी कैसे मिले? अगर किसी को टीचर के एग्जाम के अंदर बैठने की जरूरत है, अगर बीएड है तो टेट नाम की एक चीज है जिसके लिए हम लोग को बैठने की जरूरत है। अगर टेट के एग्जाम पास कर लेते हो तो फिर आगे बढ़ सकते हो। हमने पहले आरपीएससी को लगाया था, आरपीएससी के द्वारा कितने कितने लोगों को नौकरियां दिलवाई थी। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमें टेट की जरूरत नहीं है, हम अपने बच्चों को ले जाएंगे, हमारे बच्चों का इंतजाम करेंगे, उनको टीचर बनाने का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, आप ये देख लो कि एक तरफ तो आपको भिड़ा दिया इस टेट के साथ और दूसरी तरफ से कह दिया कि दसवीं के पास बच्चों को हम कराएंगे और ये जान के कराएंगे कि उनको ये जान के कोर्ट के अंदर फंसाने का काम, इधर टेट से फंसाने का काम, उधर कोर्ट से फंसाने का काम। और कोशिश यही है कि भाई किसी को नौकरी ना मिले तो अपन बीच में से आराम से निकल जाए। ये हमेशा इसी चीज से फायदा लेते रहे कि लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए। आज देख लीजिए कि 65 साल लोकतंत्र के निकल गए और 65 साल के अंदर मेरे 5 साल को छोड़ के और बैरू सिंह जी के 7 साल को छोड़ के 12 साल को छोड़ के 53 साल राज किया है कांग्रेस ने इस राजस्थान के ऊपर। उधर देख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल राज किया और उस 15 साल के अंदर गुजरात को कहां से कहां ले जाके छोड़ा, पूरी दुनिया के नक्शे पे गुजरात को लाके छोड़ा है। उधर शिवराज सिंह चौहान, उनको उनकी जानकारी 10 साल दिया और 10 साल के अंदर भारत के नक्शे के ऊपर मध्य प्रदेश को लाके छोड़ा है शिवराज जी। मैं पूछना चाहती हूं कि 55 पूरे साल मिले कांग्रेस को, उधर 15 साल में गुजरात कहां से कहां निकल गया, इधर 10 साल में मध्य प्रदेश कहां से कहां निकल गया और 55 साल के बाद राजस्थान इस तरीके से गड्ढे में पड़ा है। क्या उन लोगों को आज भी उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है? क्या हक है? जिन लोगों ने आपको पीस के रख दिया है, जिन लोगों ने आपकी मूलभूत सुविधाओं को लात मार के अलग कर दिया है, ऐसे लोगों को क्या कुर्सी पे बैठने का किसी भी हक से बैठ सकते हो? मैं नहीं समझती हूं। मुझे याद है कि आपने 2003 में हमको एक बीमारू प्रदेश पकड़ाया था, राजस्थान लड़खड़ा रहा था, खजाना खाली था और हमारा मुखिया रोज रोज यही कहता था कि मेरा खजाना खाली है, मैं पानी नहीं दे सकता, मेरा खजाना खाली है, मैं रोड नहीं बना सकता, मेरा खजाना खाली है, मैं बिजली नहीं दे सकता। परंतु हम लोगों ने सब काम आपके किए, ये तो इच्छा शक्ति की जरूरत थी और साथ में पैसा तो सरकारों के अंदर कैसे आता है वो हम लोग सब जानते हैं, उसको खाली इस्तेमाल करने की जरूरत थी। परंतु जब कोई 4.5 साल कुंभकर्ण जैसे सोए और फिर 4.5 साल जग, 4.5 साल के बाद जग के उठ के इधर उधर देखे, और भाइयों कुंभकर्ण भी 6 महीने से ज्यादा कहां सोता है, तो 4.5 साल नींद निकाल ली और एकदम से उठ के कहा कि हो भाई 4 महीने के अंदर तो चुनाव होने वाले हैं, अब क्या होगा? अब भगदड़ मची है। अभी मैंने सुना कि ऐसी जमीन के ऊपर जाके जीएसएस का मैंने शिलान्यास किया जो जगह उनकी थी नहीं, ऐसी भगदड़ मची हुई है, रेवड़ी बच रही है कि भाई ये भी ले लो और आप कह रहे हो कि हमको सोने का महल ले लो, आपको चाहिए दूध की नदी वो भी ले लो, क्या चाहिए आपको बताओ, बोल दो, ले लो, वोट दे दो, बस इसको ये सब वोट देने के बाद हम करेंगे। इनका काम रहा है कि एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाओ, एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी कर दो और ऐसी स्थिति बना दो कि किसी एक का वोट तो हमको मिलेगा ही। हिंदू मुसलमान लड़ जाएगा तो हमको बहुत अच्छी बात है, मुसलमान का वोट तो हमें मिल ही जाएगा, कहा जाएगा आखिर? SC ST का वोट तो हमारी जेब का वोट है, वो कहा जाएगा? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हर एक आदमी चाहे वो कितना भी गरीब है उसकी इज्जत है, उसको उसका स्वाभिमान है। और राजस्थान के तो लोग इतने इज्जतदार और स्वाभिमानी है कि कितने भी गरीब हो भूखे सो जाएंगे परंतु अपनी इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ये उनको सीखने की जरूरत है। मैं तो अपने आप को
को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला है जिसकी कहीं मैं बेटी हूँ तो कहीं मैं बहू हूँ तो कहीं मैं संतान हूँ। इतने सारे लोग पूरे पूरे रिश्ते में लगे हैं और जिनको प्यार से मैंने तब भी देखा है, आज भी देखा है, आज भी देखू, आगे भी देखूंगी। इस परिवार को आगे बढ़ाने का संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी और हम मैदान में उतरे हैं और उसको पूरा करने का काम हम करेंगे भाइयों, चाहे ये कितना भी कुछ करने की कोशिश करें। अब इन्होंने सोच लिया कि बस अब तो मानने वाला नहीं है तो इनको डराएं, इनको धमकाएं, क्योंकि लुभेंगे नहीं। तो गुलाब जी जैसे व्यक्ति को सीबीआई से परेशान करने की कोशिश करती। अरे पूरी दुनिया जानती है आपने किसी और को पकड़ा होता तो ठीक है, कोई कलंक लग भी सकता है, पर तो गुलाब जी ऐसा पाक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो चींटी को भी हाथ नहीं लगाता और उसको आप जेल में भेजने वाले हो किसी के डेथ की, किसी के मर्डर के पीछे जो 8 साल पहले गुजर गया, 8 साल पहले की बात। इनका दूर दूर से भी उसका रिश्ता नहीं है, परंतु नहीं, डराने वाली बात है। अरे मुझे याद है दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस के मीटिंग के अंदर जाके रो के कहा कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ उसके बारे में कौन देखेगा। और मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि 152 सीढ़ी थे, एक ही सीढ़ी निकली, 152 अरे हिम्मत है तो हमें दिखाएं वो 152 सीढ़ी में कौन कौन थे, लाए तो सही सबके सामने, नहीं एक को किया वो चुन चुन के मारना, चुन चुन के मारना। आपने चुन चुन के मारने की कोशिश की है और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मौका 4 महीने बाद हमको भी मिलेगा, हम भी चुन चुन के मारेंगे और सबको कैसे करेंगे। और अगर लगता है कि सीबीआई से और पुलिस से और इससे हमको डराएंगे तो आज तक नहीं डरे, कल को क्या डरने वाले हैं। और 2008 के अंदर पूरी तो पाई ने खंगालनी, एक मातृ आयोग खड़ा कर दिया और रोज रोज उसको देख देख के कितने खा गए, उतने खा गए, उतने खा गए। अरे मैं भी बोल सकती हूँ कितने हजार करोड़ खा गए, हमको मालूम भी नहीं उसके पीछे कितने शून्य लगे हैं, उसकी गिनती नहीं कर सकती। पर भगवान की दया, मैंने हमेशा कहा कि जो भी काम किया है वो भगवान की दया से किया है और भगवान के भरोसे किया है। और आज भगवान के भरोसे और आपके भरोसे रहने के बाद इस क्षेत्र के अंदर, इस राजस्थान के अंदर अपने परिवार को कभी कलंकित नहीं होने दूंगी, ये प्रण लेके आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। आप लोगों ने बार बार मुझे बहुत सुंदर सुंदर सी चुंदड़ी पहनाई और मैं बार बार कहती हूँ कि ये चुंदड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर हो गई। आपने विश्वास दिया है, बेटी मान के जब बड़े बुजुर्ग हाथ फेरते हैं, बहु बांध के जब बड़े बुजुर्ग बात करते हैं, जब माताएं बहनें हाथ फेरती हैं काल पे, तो हम तो काय नहीं हो जाते हैं, क्या करें, ऐसा प्यार आप लोग देते हो क्या करें। परंतु जब आपने चुंदड़ी को पहनाई तो उस चुंदड़ी की और आपने पहनाई ये कह के हमारा विश्वास है कि तुम कभी इसको कलंकित नहीं होने दोगे। और मैंने तब पहनी जब मैंने आपको वादा किया कि इस चुंदड़ी की और आप सबकी स्वाभिमान और इज्जत की रक्षा करने का काम बहू और बेटी के नाते में करूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं, आप ये भी मान के चलिए। परंतु मैंने आप लोगों को सबको ये कहा कि इस चुंदड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा आपके हाथ में, आपने पहनाया है और आपको मालूम है कि क्या क्या हम लोगों के ऊपर गुजरी नहीं है और गुजरेगी आगे चल के। मैं तो मान रही हूं अभी 6 महीने है, 6 महीने आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। पर याद रखना कि ये तो होना ही है और ये तो हम जानते हैं कि फिर भी नहीं डरने वाले हम लोग। परंतु आप एक चीज याद रखना कि जब ये हमारे बारे में इस तरीके से बातचीत करना शुरू करेंगे तो आप विश्वास रखेंगे, आप अपना प्यार रखेंगे और आपने चुंदड़ी पहनाई है इसलिए आप ढाल जैसे हमारे सामने खड़ा होकर उन सबको कहेंगे कि इस तरीके से हमारे परिवार को कोई कलंकित करने जाता है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम भी किसी को आगे सामने तरीके से आके बदमाशी नहीं करने देंगे। अरे भाइयों, आज हमारी माता और बहनों की क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर, जिस तरीके से कलंकित हो रहे हैं परंतु राजस्थान के अंदर बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, सड़क के ऊपर चल नहीं सकती सुरक्षित। और हमारी बेटी कभी चली जाती है, कभी पिक्चर देखने जाती है, कभी बाहर चली जाती है, कभी बाजार में चली जाती है, तो माता पिता का दिल धड़कता है कि कब वापस लौटेगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक तो रहेगी। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, आप लोग जानते हो कि आपके दिल के अंदर क्या बीतती है, वो मूक बधिरों के साथ क्या हुआ जयपुर के अंदर वो आप जानते हो।
वो बेचारी लड़कियों के साथ 8 महीने अत्याचार किया गया, और अप्रैल के महीने में जब सब लोगों को मालूम पड़ा तो हम बोल नहीं सके, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे थे, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सीआर बिगड़ जाए। इसलिए 2 हफ्ते जब तक वो नहीं हुआ तब तक उनके लिए हमने कोई मदद नहीं की, बस इतना ही देखा कि प्रेस में नहीं आएगा। और फिर उनकी अस्मत की कीमत 3 लाख रुपया कि हमने मुंह पे फेंक के ये कह दिया, ले तुम अपने 3 लाख रुपया और चुप रहो, कि इसके बारे में तुमको बोलने की कहीं जरूरत नहीं। मैं कहना चाहती हूं कि ये परिवार राजस्थान का जो है वो लेगा बदला, क्योंकि जिस परिवार की बहू, जिसकी बेटी, जिसकी माँ, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उस परिवार के मुखिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि हमारी महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकता तो क्या मतलब है, और हमारी महिला हमारे घर की आबरू, हमारे घर की बरकत है। हमारी महिला अगर सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। और अब मैं भाई और बहनों आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सपने एक सपना देखा है, हमने भी आपके साथ एक सपना देखा है कि एक ऐसा सुंदर सा नया राजस्थान हो जिसके अंदर हमारे बच्चे अपने होनहार बन के अपने पैर पे खड़े हों, जिसको अच्छी नौकरी मिले, हमारी महिलाएं ऐसी महिलाएं सुरक्षित होकर सड़क पर चल सके, ऐसा राजस्थान हमारा हो, ऐसा राजस्थान हो जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई दोनों के लिए सामान्य समान हो, ऐसा हो जिसमें हमारे किसान आज आत्महत्या के कगार पे आ गए हैं, आज उनको सही पानी, सही बिजली, सही बीज, सही खाद और अच्छा मूल्य जब बाजार में सामान ले जाते हैं वो अगर मिल जाएगा तो हमारा किसान आगे चलेगा तो हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। आज आप देख लीजिए कि खाद के क्या दाम है, बीज नकली मिलता है, पानी मिलता ही नहीं है, बिजली के लिए रात रात पर खड़ा होना पड़ता है, सर्दी में ठुठर ठुठर के खड़े हो जाते हैं, और ऐसी हालत हो जाती है कि राजस्थान में जो कभी नहीं हुआ, आत्महत्या की बात कभी किसी के दिमाग में आती भी नहीं थी, आज वो आत्महत्या के बारे में किसान सोचने लगा। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाइयों, आप लोग यहाँ बैठे हो, आप मेरे को बताइए क्या हमारे घर का मुखिया भी है कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, अभी लाडनू गए थे, नागौर गए थे, उन्होंने ये वादा किया था कि जहां जहां फसल बिगड़ गई थी पाले की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से वहां हम एक मुआवजा का पैकेज निकालेंगे। आप मुझे बताइए कि किसी को पैकेज मिला, किसी को पैसा मिला? और जले पे नमक 2-2 हजार रुपए देने की कोशिश, कौन लेगा वो 2-2 हजार रुपया? आप लोगों ने कभी देखा नहीं, चेकिंग नहीं किया, किसी को मुआवजा नहीं दिया और सोचते हो कि 2 हजार रुपए किसी के ऊपर फेंक के हमारे स्वाभिमान और रेंचर के ऊपर ऐसे ही रोंगटे हुए निकल जाओगे? हमारे किसानों को मैं ये कहना चाहती हूँ भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि एक ऐसा नया राजस्थान बने जिसमें किसान आगे चले, जिसमें किसान की मदद हो। और इसीलिए हमने कहा था 2008 के अंदर, 2006 के अंदर कि किसान आयोग बनेगा, और उस किसान आयोग को बना के सीधा संवाद हम किसानों के साथ करना चाहते हैं। सीधा संवाद ऐसा हो कि उनका जो भी जरूरतमंद सामान है वो आसानी से उनको मिले, उनकी कोई शिकायत है वो डायरेक्ट हम लोगों के पास पहुंचे। और 6 साल हो गए आज दिन तक उस किसान आयोग की बात को मानने का नाम ही नहीं, उसकी रिपोर्ट आ गई परंतु उसके बारे में इस सरकार ने कुछ नहीं। अब 6 महीने बचे हैं, 2 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, सोच लिया है कि भैया जल्दी करो, तबादला नीति खुल चुकी है, सब लोग लाइन में लगेंगे, जेब भरेंगे, एक अनूठा अलग किसान का व्यापार चालू हो जाएगा। 2 महीने के लिए चलने वाला है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हो, आपने उसके बारे में पढ़ा है और आपने देखा है कि ये बार बार जब भी कांग्रेस की सरकार होती है तो ये काम होने वाला है। आप लोग संभल के चलिए, कोई जरूरत नहीं है, फिर वही काम चलेगा, फिर वही पैसे लेंगे। और यहाँ के एमएलए ने जहां तक कहा है, कांग्रेस के एमएलए ने कहा है कि 3-3 लाख रुपए लिया जाता है एक एक तबादले के ऊपर, अब समझो कितना पैसा खर्च किया जाता है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हो कि ये राजस्थान एक नया और सुंदर राजस्थान बने? क्या आप लोग चाहते हो कि हमारे बच्चे पलायन करके मध्य प्रदेश और गुजरात नहीं जाएं परंतु यहाँ अपना जीवन वापस करें? क्या आप चाहते हो कि एक ऐसा राजस्थान बनाए जिसमें एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, ये तो ताकत आपकी है, ये जादू आपका है, और आप लोग सब आ जाओगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि सब लोग मिलके एक ऐसा सुंदर नया राजस्थान
दास्तान बनाएंगे जिसको देखने के लिए दूर से जिस तरीके से पहले आया करते थे वैसे लोग यहां राजस्थान में आएंगे। तैयार हो? तैयार हो? अगर तैयार हो तो अपनी मुट्ठी ऊपर करो। और मैं कह रही हूं मुट्ठी, क्योंकि हाथ ऐसा खुला हुआ वो तो खूनी हाथ है, ये तो वो हाथ है जो महिला का अत्याचार करता है, जो आज भी आपका जेब काट रहा है। ये दोनों हाथ ऊपर करके बोलो तैयार हो। हिम्मत है, लड़ाई करने की हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। मेरे साथ इस पूरे परिवार को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आओ साथ।